आइए आज हम बनाने वाले हैं दाल तुरई की सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो तुरई को छीलकर अच्छी तरह से धोकर और बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 प्याज और 4-5 हरी मिर्ची, 3 टमाटर। इसके लिए मैंने चने की दाल को 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मसाले, ये है जीरा, अमचूर पाउडर, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। आप मसाले अपने इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने गैस पर कुकर रख दिया है, उसमें ऑयल डालकर जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज डालकर उसको भूनेंगे। मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं अमचूर को छोड़कर। अमचूर हम लास्ट में डालेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और तुरई और दाल डाल देंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पर डाल देंगे दाल, पानी के साथ ही डाल देंगे, जो हमने पानी में भिगोई थी दाल उसके साथ वो दाल हम डाल देंगे। देखिए मैंने पूरी दाल डाल दी है। अब हम इसको बंद करके हम इसकी 4 सीटी लगा लेंगे और हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। अब हम बना रहे हैं इसके साथ जीरा राइस। तो मैंने यहाँ पर बर्तन में ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा और डाल दूँगी 1 बड़ी इलायची। अब मैं इसमें डालूँगी चावल। मैंने इसमें चावल और पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच नमक। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2-3 लौंग और 8-10 काली मिर्ची भी डालती है। देखिए 4 सीटी लगने के बाद मैंने कुकर खोल दिया है और दाल गल चुकी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम कैसे थोड़ा मैश करके खाना पसंद करते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा मैश कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे दाल तुरई और ये जीरा राइस रेडी है। इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और ये दाल तुरई जो बच्चे नहीं खाते, तुरई की सब्जी आप ऐसे बनाकर खिलाएंगे तो झट से खा लेंगे। और इसमें दाल डाली है तो दाल जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आप भी जरूर से जरूर बनाइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।